स्वीट कॉर्न यानी कि मकई सिर्फ इंडिया में ही नहीं खाई जाती है, बल्कि दोस्तों मैक्सिकन कंट्री में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है। तो आज एकदम मैक्सिकन स्टाइल में बनाएंगे स्वीट कॉर्न, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। आपने शायद हो सकता है कभी ना बनाई हो, तो ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। यहाँ पर तीन मैंने बड़े बड़े से भुट्टे लिए हुए, अब इनकी जो पत्तियाँ हैं वो मैंने तोड़ा नहीं है, तो उसके पीछे कुछ तो भैया रीज़न होगा खाना थोड़ी ना है, बस क्या करना दोस्तों, इनकी बना लेनी होगी नॉट। और उससे दो फ़ायदे हैं, एक तो हमारी ये जो मकई है ये बनने के बाद देखने में बहुत अच्छी लगेगी, दूसरा हमें इनको पकड़ करके ना रोस्ट करने में भूनने में आसानी हो जाएगी, और हम चूल्हे पर ही बड़े आसानी से घर में भून लेंगे। बहुत लोगों को लगता है घर में कैसे भूनेंगे, इनके लिए तो क्या कोयला चाहिए, ये चाहिए, कुछ भी नहीं, आप घर में ना आराम से भून लीजिए, ठीक है। आप इनको उबाल के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो रेसिपी ना ये भून करके ही होती है, और घर में चूल्हे पे आराम से आप भून लेंगे। ये देखिए नॉट मैंने बना दिया है, दो दिन पहले मैंने सूरत डोइम बीच का स्वीट कॉर्न भेल बनाया, आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, जिसने नहीं देखा है ना ऊपर आई बटन में लिंक है, प्लीज़ ज़रूर एक बार चेकआउट करिएगा। बिना फ्राई किया हुआ मैंने स्वीट कॉर्न चीज़ अप्पे बनाया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी था वो, तो मैं वीडियो डालने के बाद दो बार और बना चुकी हूँ, मुझे इतना ज़्यादा वो पसंद आया था। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए हमने नॉट जो है रेडी कर लिया है तीन भुट्टे के, ये देखिए। अब चलिए आ जाते हैं चूल्हे के पास में और डायरेक्ट हम इनको चूल्हे पर रोस्ट करेंगे। थोड़ी ही देर में इनमें से अभी चुटुर पुटुर पुटुर चुटुर इसमें से आवाज़ आने लग जाएंगी, क्योंकि भैया ये रोस्ट होंगे तो आवाज़ तो आएंगी ना। ये वाला हम रख देते हैं दूसरे मतलब चूल्हे की तरफ, दोनों ही चूल्हे पर हम एक एक हमने ये मकई रख करके रोस्ट कर लेना है, ज़्यादा वक्त नहीं जाता है। आप सोच रहे होंगे बहुत गैस जाएगी, बिल्कुल ज़्यादा वक्त नहीं जाता है, एक बार ट्राई करके देखिएगा। अब वो ये देखिए हो रहा है ना, ये दूसरा वाला भी देखिए हमारा दूसरी तरफ रोस्ट हो रहा है, उधर भी हमें अपनी नज़र बनाए रखना है, नहीं तो वो जल ना जाए। अच्छा, अगर ऐसे आपको लग रहा है कहीं थोड़ा कुछ और काम है तो आप एक सेफ्टी भी ले सकते हैं, अगर आपके पास में इस तरीके का एक ये देखिए इस तरीके का मिलता है ना जाली, जिस पर हम पतीली रखते हैं टेबल पर, तो उसके ऊपर ऐसे आप रख देंगे ना तो आपको कंटिन्यू पकड़ करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद में इनका जो साइड है वो आपको टर्न कर देना है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, उधर भी मैं देख रही हूँ और इधर भी, देखते ही देखते बस ये भून जाएंगे, तो हमें फटाफट से तीनों भी भून करके रेडी कर लेना होगा। इनके जो पॉइंट्स हैं ना, ऐसे जो पॉइंट्स के पास जो दाने होते हैं ना उनको इग्नोर मत करिएगा, उनको भी इस तरीके से रोस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और मकई ऐसी लीजिएगा जो एकदम बच्चा ना हो, ना तो एकदम बहुत ज़्यादा पकी हुई भी ना हो, मीडियम की लीजिएगा। वैसे मुंबई की जो मकई है ना वो मीठी मीठी लगती है, और मैंने देखा है जो गांव की मकई होती है वो मीठी नहीं होती है, तो उसमें आपको क्या डिफरेंस करना होगा मैं आगे आपको बता दूँगी, ठीक है। तो हमारी मकई रोस्ट हो गई है, और अब हमने यहाँ पर ले लिया है मायोनीज़ 1/4 कप, ये मेरा होम मेड मायोनीज़ है, इसके अंदर हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर कर के हंकड़। वैसे तो इसके अंदर मैक्सिकन लोग डालते हैं सार क्रीम, अब वो सब झंझट कौन जाएगा करने, हमने खुद ही सार क्रीम बना लिया है, ठीक है। मेयोनीज़ के अंदर थिक दही डाल करके सार क्रीम बना लिया, नमक नहीं डालेंगे इसके अंदर, उसके पीछे क्या रीज़न है वो भी अभी मालूम पड़ जाएगा आपको। यहाँ पर हमने मकई के अंदर गर्म गर्म पर फटाफट से लगा लेना है लेमन, है लेमन को हर तरफ से आपने ऐसे घस देना है, ठीक है। उसके बाद में इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्ट, इसलिए मैंने उसके अंदर नहीं डाला, सॉल्ट और रेड चिल्ली को मैंने पहले से मिला करके रखा था, ये हमने इस तरीके से घुमा घुमा करके डाल दिया है, ठीक है दोस्तों। और अब हम जो है ना अप्लाई करेंगे इसके ऊपर वही हमारा बनाया हुआ मेयोनीज़ और सार क्रीम कह लीजिए, उसको ब्रश से आपने अप्लाई करना है इस तरीके से, कॉर्न आपका हल्का सा गर्म होना चाहिए, और इस तरीके से ब्रश से आपको चारों तरफ लगा देना है, बहुत टेस्टी बनती है। मैक्सिकन लोग इसके ऊपर जो है ना ड्राई चीज़ भी डालते हैं, आपको अगर ड्राई चीज़ लगाना है तो आप बिल्कुल लगा दीजिए, मैं बिना चीज़ का बना रही हूँ। तो जब ये रेडी हो जाएगा ना तब मैं आपको बताऊँगी कि वहाँ पर आप जो चीज़ है वो स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये देखिए रेडी हो गया, अब यहाँ पर मैं मैक्सिकन कैजुन स्पाइस जो है स्प्रिंकल कर रही हूँ। कैजुन स्पाइस नहीं है तो चाट मसाला डाल दीजिए, इंडियन फ्लेवर में बना लीजिए। ये कैजुन स्पाइस मेरा घर का बना हुआ है, मैं अपने और कई वीडियो में आपको बता चुकी हूँ बनाना। कैजुन स्पाइस जब डालेंगे तो पूरा मैक्सिकन फ्लेवर इसके अंदर आएगा। चलिए हर तरफ से मैंने स्प्रिंकल कर दिया है, लास्ट में अगेन हम इसके ऊपर वही चिल्ली और सॉल्ट वाला
मिक्सचर जो बनाया था वो डाल देंगे, ऊपर से सजा देंगे हरे धनिए से। देखने में बहुत टेस्टी तो लग ही रहा है, ये खाने में भी बहुत डिलीशियस है दोस्तों। ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।